हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट शो दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट। सो हमको हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वहां पर सबसे पहले उसके ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना है और एक्सप्रेशन बताना है कि एन स्क्वायर के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सेकंड केस में टोटल एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है वो बताना है। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सो रेडियस क्या होता है, अगर हम देखें तो कोई भी न्यूक्लियस है उसके अराउंड, एन मतलब न्यूक्लियस, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिट में घूमता है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके उसकी पेरिफेरी तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। दिस इज आर इज रेडियस। अब हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर एक तो फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू प्रोटॉन्स जो कि होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल, और यही जो हमारे पास फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सो यहाँ से हमारे पास जो क्यू वन की वैल्यू है वो तो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मैग्निट्यूड में, और जो Q2 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q2 की वैल्यू होगी हमारे पास Z इंटू E, चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो होगा एटॉमिक नंबर इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन सेम होता है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आर का फॉर्मूला आ गया हमारे पास के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर। सो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हमको ये भी पता है अकॉर्डिंग टू बोर सेकेंड पॉस्टुलेट एम वी आर की जो वैल्यू होती है वो होती है एन एच बाई टू पाई के इक्वल। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है दैट इज एन एच बाई टू पाई एम आर। इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी की वैल्यू है एन एच बाई टू पाई एम आर का स्क्वायर। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के जेड ई स्क्वायर बाई एम, के जेड ई स्क्वायर बाई एम इधर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू पाई एम आर का होल स्क्वायर, मतलब 4 पाई स्क्वायर m² r² 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। सो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। सो आर का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाय एम, यहाँ पे भी एम से मल्टीप्लाई है। सो आर का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। सो अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे वैल्यूज डालेंगे तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, मतलब हमने एच की वैल्यू पुट करी है विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, के की वैल्यू पुट करी है 9 × 10⁻⁹, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करी है, पाई की वैल्यू पुट करी है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करी है। तो रेडियस जो है वो फॉर्मूला आ गया हमारे पास 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। सो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सो पहला केस हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। दूसरा हमको निकालना है यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth
ऑर्बिट। अब हमारे पास एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी, वो किसके इक्वल होती है? वो होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होती है के क्यू वन क्यू टू बाय आर। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर और के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इनका समेशन होगा। अब हमको पता है कि हमारे पास एम वी स्क्वायर बाय आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के क्यू वन क्यू टू बाय टू आर और प्लस के क्यू वन क्यू टू बाय आर। यहाँ पर तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव रहती है, बट पोटेंशियल एनर्जी में साइन की वैल्यू इम्पोर्टेंट है। सो ये हो जाएगा हमारे पास के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर, बट पोटेंशियल एनर्जी में पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना है। सो ये हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। सो ए टी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर। अगर सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास, अगर हम रेडियस वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे पुट करेंगे, तो के जेड ई स्क्वायर बाय टू। अब यहाँ पे हमको पता है आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने मान लिया के जेड एन स्क्वायर, के जेड कोई कांस्टेंट है, तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी? एनर्जी जो है हमारे पास, एनर्जी आ जाएगी हमारे पास एन स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो हियर ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।